हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी लौकी के मुठिया कैसे बनाते हैं। तो मेरा ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मैंने एक कटोरी गेहूं का दरदरा आटा लिया है, एक कटोरी लौकी, आधी चम्मच अदरक की पेस्ट, आधी चम्मच लहसुन की पेस्ट, एक चम्मच ग्रीन चिली, एक चम्मच शुगर, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच ऑयल, तीन चम्मच दही, चपटी हींग, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया जीरा पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच सूखी मिर्ची, आधी चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच पापड़ सोडा, एक चम्मच तिल, आधी चम्मच पापड़ सोडा लिया है। अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और आधे घंटे के बाद इसको आधे घंटे के लिए इसको ढक के रख देते हैं हम, अच्छे से मिक्स करने के बाद। उसके बाद मैं लंबा रोल इसका बनाऊंगी। अभी एक बड़े बर्तन में पानी लीजिएगा और उसको ढक दीजिएगा उबालने के लिए गैस चालू करके, और ऐसे लंबा रोल बना दीजिएगा एक प्लेट में। और वहीं प्लेट आप जो उबला हुआ पानी है बर्तन में, उसी बर्तन में आप इसको रख दीजिएगा 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद एक कोई भी चाकू या चम्मच से आप उसके अंदर डाल के देख लीजिएगा। अगर नहीं चिपक रहा है तो समझ लीजिएगा कि ये अच्छे से पक गया है। अगर चिपकता है तो फिर से 5-10 मिनट के लिए उसको पकाने रख दीजिएगा। और ये जब अच्छे से ठंडा हो जाए तब इसको ऐसे राउंड में काट लीजिए। उसको गरम गरम में मत काटना वरना वो चूरा हो जाएगा पूरा। अच्छे से ठंडा होने देना इसको। अभी एक अलग बर्तन में, पैन में कोई भी 2 चम्मच जितना ऑयल लीजिएगा। ऑयल अगर आप सिंग तेल यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छी स्मेल आएगी इसकी और टेस्ट भी अच्छा लगेगा। 1 चम्मच राई, 1 पंखड़ी कड़ी पत्ता और 1 चम्मच जितनी तिल डालिएगा, और जो वड़ा हमने काट के रखा है उसको डाल दीजिएगा और अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिएगा, फ्राई कर लीजिएगा इसको। अभी 2 चम्मच जितना धनिया पत्ती, ग्रीन धनिया पत्ती डालिएगा। अभी आपकी लौकी का मुठिया रेडी है। और मेरा ये वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरा ये मुठिया कैसा लगा आपको देखने में और खाने में। तो मेरी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।